एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी को सबसे पहले जय श्री श्याम। सो गाइस, आ गई हूँ साइकिल स्टोर, और यहाँ पर हम रघु की साइकिल को रिपेयर कराने के लिए आए हैं। एक्चुअली ये मिष्टी की साइकिल है, पर काफ़ी टाइम से रखी हुई है, तो अभी रघु चला लेगा। इस हिसाब से हम इसको साइकिल की शॉप पर लेकर के आ गई हैं ताकि ये ठीक हो जाए, और इसके बाद जाऊँगी सब्जी मंडी। तो यहाँ से ही मैं आ गई हूँ सब्जी मंडी, रघु भी हमारे साथ ही है। और सब्जियों की बड़ी परेशानी हो जाती है, मतलब इतने ऑप्शन होने के बाद भी हमको ये समझ में नहीं आता है कि हम सुबह क्या बनाएं और शाम में जो है क्या बनाएं। तो अभी गर्मी की काफ़ी सारी सब्जियां आ गई हैं, जैसे कि अरबी, लौकी, तुरई, भिंडी, ये सब अभी गर्मियों की सब्जी है। कद्दू और पालक, आजकल तो मुझे वैसे लगता है कि 12 महीने ही हर सब्जी जो है मिलती है, पर वो टेस्ट नहीं होता है। तो यहाँ से मैं शिमला मिर्च जो है ले लूँगी, और आलू, आलू की रेट जो सबसे कम हुआ करती थी ना, पता है आलू की रेट भी हमारे यहाँ पर ज़्यादा हो रही है। तो ये है कि मेरा यूँ है कि कम से भी कम 2 से 3 किलो आलू मैं इकट्ठे ले लूँगी, ताकि कि मुझे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये आलू एक ऐसी सब्जी है जो हर सब्जी में डलती है, और आलू के बिना यार हम नहीं रह सकते हैं। ख़ास तौर से मैं तो बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। आलू की सब्जी एक रहता है ना कि भाई आलू ही बना लेते हैं अगर कोई सब्जी समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पर मैंने आलू पैक करा लिए हैं, और 1 किलो समथिंग मैंने यहाँ पर से प्याज भी लिए हैं और अदरक भी लिया है, क्योंकि के गर्मी हो भले से, पर फिर भी चाय में जो है अब अदरक ही सही लगता है मुझे, मतलब आदत सी पड़ गई है अदरक वाली चाय पीने की। तो यहाँ से भिंडी भी ले ली है, और कुछ केरी वगैरह भी मैं ले लूँगी। तो सब्जियाँ मैंने काफ़ी सारी देख देख के जो है लेकर के मैं चली जाऊँगी घर पर। अच्छा, आने के बाद लग गई हूँ शाम के काम में, और खाने में वापस से समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाया। फिर लगा कि लो भिंडी ही बना लेते हैं, और सुबह हमने बनाया था सैंडविच, तो सैंडविच ही हमने आज बना लिया था सुबह लंच में। तो वापस से मिस्टी ने जो है फरमाइश कर दी है कि उसको लग रही है भूख, तो उसने बोला कि मम्मी आप मेरे लिए वापस से सैंडविच बना दो। तो मसाला जो है रखा हुआ है, तो उसी को मैं वापस से लगा करके, और इसमें अच्छे से घी लगा करके जो है इसको दोनों तरफ से अच्छे से सेक दूंगी, और ख़ास तौर से मैं इसमें डालूंगी चीज़। हाँ जी भाई, अभी पिज़्ज़ा बनाया था मिस्टी के पापा ने कुछ दिन पहले, तो चीज़ जो है रखी हुई है, तो इसी चीज़ को मैं इसमें स्प्रेड करके चीज़ वाला जो है सैंडविच मिस्टी के लिए यहाँ पर तैयार कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पर मेरी जो घी दानी है इसमें भी घी जो है ख़त्म हो गया है, तो मैं इसमें घी भर दूंगी, और लगे हाथ हमें घी दानी को जो है ना कपड़े से पोंछ करके रख देना चाहिए। इससे क्या होता है, ये थोड़ी साफ़ बनी रहती है, नहीं तो फिर कचरा जमी जाता है। और एक ब्रेड भृगु भी अपने लिए सिकवा रहा था, तो फिर मैंने उसको भी दे दी है। और यहाँ पर भिंडी को मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद ऐसे गोल गोल स्लाइस में ही काट लूँगी, और ज़्यादातर हम इसी तरह से भिंडी जो है बना लेते हैं। वैसे तो लंबी होता है ना, लंबी लंबी काट करके भी बनाते हैं, पर ज़्यादातर मोस्टली बच्चों को भी इसी तरह से गोल गोल वाली शेप वाली पसंद आती है। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से जिस तरह से हम भिंडी की सब्जी बनाते हैं वैसे ही बना लूँगी, बिना लहसुन प्याज के। सिंपल सी सब्जी ही बनाती हूँ मैं हमेशा हर बार, क्योंकि ज़्यादा प्याज लहसुन का यूज़ करते नहीं है। मोस्टली हम कभी कभार बना लेते हैं, पर हमेशा नहीं।
तो अभी पर भिंडी की सब्जी तो मैं खास तौर से सादा ही बनाती हूँ, और पहले जो है मैं बिना मिर्च के हिसाब से इसमें हल्दी और नमक ही डालूंगी। और ज़्यादातर वैसे भी भिंडी की सब्जी में ना हल्दी और नमक ही डाल करके इसे पकाना चाहिए, और बाद में जो सूखा धनिया और लाल मिर्च है वो हमेशा पकने के बाद डालनी चाहिए भिंडी में। नहीं तो क्या होता है, मसाले हमारे जल जाते हैं। तो हमारी सब्जी एक तरफ पक रही है और एक तरफ मैंने आटा जो है लगा करके रख दिया है ताकि कि थोड़ी सी देर ये गल जाए। इससे रोटी हमारी बढ़िया सॉफ्ट सॉफ्ट जो है बनती है। और यहाँ पर भिंडी भी देखिए पक गई है, तो इसमें बिना मिर्च वाली पहले मैं निकाल लूँगी भृगु के लिए, और फिर इसमें मैं मिर्ची भी ऐड कर दूँगी। वापस मुझे लाइटर नहीं मिल रहा है, मेरे साथ हमेशा यही प्रॉब्लम होती है। आपसे नहीं बोल रही हूँ। और यहाँ पर देखिए सामने ही फिर मुझे जो है लाइटर दिख गया है, तो बस अब फटाफट से रोटी जो बनानी है वो बना लूँगी। और भृगु के पापा को लगा कि मैं उनको आवाज़ दे रही हूँ, पर मैं उनको नहीं बोल रही थी, मैं तो आप लोगों से बातें कर रही थी भाई। और देखिए अब सारी जो तैयारी है वो मैंने कर ली है, और फटाफट से गर्मा गर्म फूली फूली रोटियाँ जो है बना करके रख दूँगी। और वैसे भी मैं कह रही हूँ ना, थोड़ी सी देर अगर आटा हम लगा करके रख दें तो रोटी बड़ी सॉफ्ट बनती है, नरम बनी रहती है। भले ही आप इसे 1 घंटे पहले भी बना करके रख देंगे ना, तो भी जो है रोटी नरम बनी रहती है। तो यहाँ पर इसमें घी भी लगा दूंगी मैं अच्छे से, तो मेरी पतली पतली रोटियाँ बन करके तैयार हो जाएंगी। और यहाँ पर सैलेड में मैंने काट लिया है खीरा, तो खीरे में मैं डाल दूंगी नींबू और हल्का सा काला नमक। बस इसके बाद जो है हमें खाना खाना है, तो खाना खा करके फ्री हो जाएंगे। और यहाँ पर आ गई हूँ कपड़े लेकर के, और पता है इसमें मैंने ओरिजिनल आवाज़ में बोला है, पर पता नहीं क्या हुआ मेरे वीडियो में कि इसमें आवाज़ ही नहीं आई, तो इसलिए मुझे फिर जो है वॉइस ओवर करना पड़ा। तो कपड़े जो है लेकर के आ गई हूँ, और पानी वाले भैया भी जो है आ गए हैं, तो बस अभी कैंपर मुझे भरवाना है, तो हाँ उसको मैं भरवा लूँगी। और मेरा कैंपर 1 दिन छोड़ के 1 दिन जो है चल जाता है। और देखिए गाड़ी कुछ दूर खड़ी है, तो बस उन्हीं का जो है वेट कर रही हूँ। भृगु हमारा खेलने चला गया है बाहर, और मिष्टी भी चली गई है खेलने के लिए। और यह है कि पानी 1 दिन छोड़ के 1 दिन भरवाना तो खैर पड़ता ही है, और अभी गर्मियों के टाइम में तो भाई ऐसा लगता है कि पानी एक्स्ट्रा रहे तो ज़्यादा सही है। और यहाँ पर ये पानी वाले भैया भी हमसे पूछने लग गए कि आप पानी भरवाते हुए का भी वीडियो ले रहे हो, तो मैं इनको हमारे जो चैनल है उसके बारे में भी इनको बता रही थी, तो ये बोल रहे थे हाँ मैं ज़रूर से सब्सक्राइब कर लूँगा। और ये भैया बहुत ही अच्छे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कम रेट में भी अच्छा पूरा कैंपर भर के चले जाते हैं। और यहाँ पर ना मैं थोड़ी सी बातचीत में लग गई हूँ आंटी जी से, और इसके बाद बच्चे जो हैं पीछे पड़ने लग गए हैं आइसक्रीम खाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चे लेकर के आ गए हैं आइसक्रीम, और यहाँ पर भी मैंने ओरिजिनल आवाज़ ही बोली थी, पर पता नहीं वीडियो में क्या हुआ कि इसमें जो आवाज़ ही नहीं आ रही है मेरे वीडियो में, पर तो इसलिए फिर मुझे वॉइस ओवर तो खैर करना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर गर्मियों की ठंडी ठंडी जो है आइसक्रीम लेकर के आ गए हैं हम, मैंगो वाली, कच्चा आम वाली सॉरी, तो केरी वाली ये आइसक्रीम है। और ये आइसक्रीम मैं आपको बोल रही हूँ कि भाई हम तीनों के लिए लेके आए, क्योंकि भृगु के पापा का गला ख़राब है, वो जो है आइसक्रीम नहीं खाएंगे, और उन्होंने अभी खाना भी नहीं खाया है, तो वो वैसे भी आइसक्रीम नहीं खाएंगे। तो चलिए इसी के साथ अपने इस वाले वीडियो का कर देती हूँ एंड, खा लेती हूँ यहाँ पर ठंडी ठंडी आइसक्रीम। तो आप लोगों को आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय। और आइसक्रीम वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तो आप लोग भी गर्मियों में ठंडी ठंडी आइसक्रीम ज़रूर एन्जॉय करिए। बाय बाय।